हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक। तो फ्रेंड्स, होली आ रही है और होली तो बिना ठंडाई के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बढ़िया ठंडाई की रेसिपी। जानने के लिए इसे मैंने कैसे बनाया है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं एक बाउल में आधा कप खरबूजे के बीज ले रही हूँ, आधा कप मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ, आधा कप मैं इसमें काजू डाल रही हूँ और आधा कप मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। दो चम्मच इसमें खसखस डालिए। 6-7 मैंने हरी इलायची ली है, आधा चम्मच मैंने केसर लिया है, आधी चम्मच मैंने गुलाब की पत्तियाँ ली हैं, आप इसकी जगह रोज वाटर भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को रात भर के लिए छोड़ दीजिए ताकि इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो सभी अच्छे से फूल जाएं। और ये देखिए, सभी चीज़ें अब अच्छे से फूल चुकी हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इसका अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। और ये देखिए, पेस्ट अब बिल्कुल रेडी है। मैं इस पेस्ट को एक बाउल में रख दे रही हूँ। आप इस पेस्ट को 2-3 दिन अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। अब ठंडाई बनाने के लिए 3 चम्मच ग्राइंडर में पेस्ट डालिए। 2 चम्मच इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ, आप शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 1 गिलास इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। और ये देखिए, ठंडाई रेडी है। अब मैं ठंडाई को केसर और रोज़ की पत्तियों से गार्निश कर रही हूँ। आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, इससे और टेस्टी हो जाती है। और ये देखिए, ठंडाई बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।